हेलो स्टूडेंट समस्त स्वागत मुंकर चिन्मय सर आपण मानी आज एक कंप्यूटर रो टेस्ट नहीं आसी निश्चित आपण मानक अपकमिंग एग्जाम पे काम लगे डिटो अबिकल आपण लगे परीक्षा रे जो भाई प्रश्न आसे से ही भाई प्रश्न चलंतु आपण निजे टेस्ट गोटे दिंतु आपण को निजे जापरेंगे जो मुझे सेक्टर में विक् अच्छी मानि निंतु एम एस वर्ड रे अच्छी ना एक्सेल रे ना पावर पॉइंट रे ना इंटरनेट रे ये क्वेश्चन विभिन्न मिसेक आपची गोटे मॉक टेस्ट बोली भावंतु अबिकल परीक्षा आसला भाई भिडियो शेष पर्यटन देखते जो मैंने प्रथम थर पर देखुं चैनल टी सब्सक्राइब करनी चलत टेस्ट आरंभ करवा शेष अनेस्टली मत कह आपर के स्कोर रहा आपंकर क्यों एरिया विक्पेट रहा भी मत कमेट रे जनइले आम डिस्कसन करवा भिड करवा ओके रेडी चलो स्टार्ट करवा कौन व्यस्त ना निश्चित परीक्षा आप भल करेंगे स्टार्ट प्रथम क्वेश्चन देखु हुईज की डू यू प्रेस टू चेक स्पेलिंग पिलामाने एडी प्रथम कथा कहबी शॉर्टकट की निश्चित आपण दुईटी रु पछे अधिका पाइबे कम पाइबे प्राय एग्जाम को आमे जदि एनालाइज करिबा ओके तनु कोंतु कोन हबो केउ क्यू को प्रेस कले स्पेलिंग चेक करिबा शॉर्टकट की सटीक आंसर आपण मानकर आपण भाबी नियंतु तापर मैच करि देबे मु तो आंसर कहि देबी ऑप्शन सी F7 ओके F7 प्रेस कले आपणकर कोन हे परिबो स्पेलिंग चेक करि परिबो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज एंड डिस्प्ले इन द स्क्रीन से कौचे क्यों दुईटा की कॉम्बिनेशन को यूज कले जो विंडोज टा वर्तमान डिस्प्ले अछि से मिनिमाइज हो जीवो ता माने मिनिमाइज रो शॉर्टकट की कौन आपण मानको मु कंप्यूटर प्लेलिस्ट रे पूरा प्रैक्टिकल सह आपण को एई भली कहिला बेले भी देखै छी जे केमिति मिनिमाइज हुए आपण प्लेलिस्ट रे जे कि वीडियो देखंतु जदी आपण को बुझी न होउची ता परे आपण मते कहिबे वीक पॉइंट कोटा रहउची मु वीडियो बनेबी ओके सटीक आंसर हम ऑप्शन सी विंडोज की प्लस डी एटा को आपण प्रेस कले मिनिमाइज हे जीवो मन रहिला विंडोज की प्लस डी क्वेश्चन नंबर 3 प्रोटेक्ट एंड लैंडस्केप ये कौन आर पेपर साइज ना पेज लेआउट ना पेज ओरिएंटेशन ना पेज मार्जिन पिला माने जत्ते बेले भी प्रश्न आसीबो प्रोटेक्ट आ लैंडस्केप आसीले प्रोटेक्ट बुझैतिली मने अछि प्रोटेक्ट कहिले आपण ए4 साइज पेपर देखुतिबे एई बुढिया खाता अछि ओके आ लैंडस्केप कर देले एमिति हे जीवो एतिक हेला फरक बस एतिक एटा हेला प्रोटेक्ट ये हेला लैंडस्केप एटा को कहा जाए आपणकर कौन पेज ओरिएंटेशन कौन कहा जाए पेज ओरिएंटेशन मन रहिला नेक्स्ट जीवा व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन ए पेज बढ़िया प्रश्न पिला माने से को जी प्रिंटिंग एरिया रो जो ब्लैंक स्पेस रहे बाहर प्रिंटिंग तो एरिया एति के रहिला आपण धरंतु प्रिंटिंग हबो त चारिपिट जो टिके टिके स्पेस रहे सेटा को कोन कहा जाए क्लिप आर्ट ना मार्जिन ना हेडर ना फुटर सटीक आंसर कौन हबो ऑप्शन मार्जिन कहा जाए हेडर फुटर तो से प्रिंटिंग एरिया भितर आसीबो ना पिला माने हेडर धरंतु आपण गोटे ऑफिस रे लेटर करूचंती ऑफिस लेटर हेडर ता ना काई दे ऊपर रहइबो टॉप रे एटी रहिला आपणकर डिपार्टमेंट रो ना रहिला ओके धरंतु एटी लेखाला होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिसा तळे आपणकर पेज नंबर रहिला फुटर रे एटा हला रहिला एटा तो प्रिंटिंग एरिया भितर जाउची बुझिला तेनु कोटा प्रिंटिंग एरिया रो रहे स्पेस सेटा को जे मार्जिन केते स्पेस आपण रखिबे ऑप्शन बी मन रहिला ओके वेरी गुड नेक्स्ट जीवा कंट्रोल प्लस एच पिला माने मु टिके देछि आपन को माने से कंट्रोल सी कंट्रोल वी ये तो आपन सब जानिथिबे सेहिते मु कंट्रोल टिके आगु को जाई कि देछि आपन मान को प्रैक्टिस पे आ यारो मु भलो पूरा सब शॉर्टकट की रो वीडियो देछि आपन माने देखंथ कंट्रोल एच तार शॉर्टकट के कोन सटीक आंसर हबो एमिति आसुजि प्रश्न आपन मान करो प्रीवियस एग्जाम देखंथु रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जाम आपन ओट्री पुलिस रे देखि परिबे 2021 रे एइवला प्रश्न आसुजि कंट्रोल प्लस एच कोन हबो सटीक आंसर हबो आपन मान को पई ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग्स बॉक्स विथ एक्टिवेटिंग रिप्लेस टैब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस एच करिले फाइंड बॉक्स टा खोली साला परे सेटा रिप्लेस डायलॉग बॉक्स देखेबो मु एटा सु देखै छी आपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 विथ व्हिच व्यू कैन यू सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज केऊ ऑप्शन ले केऊ व्यू आपन सिलेक्ट कले टेक्स्ट ग्राफिक्स जोडा अपीयर करिवो प्रिंटिंग प्रिंटेड पेज रे आपन देखि परिवे कहतु ये आपने जानते यहाँ आप प्रेजेंटेशन ले करूँ विभिन्न प्रकार ऑप्शन ये देखते नॉर्मल ले प्रिंट लेआउट आउटलाइन वेब लेआउट कौट कौ ऑप्शन ले आपन देखिपर जा जोटी भी आप प्रिंट काढ़ाप जी वार्ड में करूँ सठिक आंसर हम ताक कहुए प्रिंट लेआउट से देखिपरेंगे जो आप जो एरिया प्रिंट प्रिव्यू जा देखती हाँ ना ना सठिक आंसर है ऑप्शन बी नेक्स्ट व्हिच वुड यू चूज टू क्रिएट ए बार डायग्राम आनेपी आप कौन करेंगे बार डायग्राम इनसर्ट करेंगे कौन करेंगे बार डायग्राम बुझुच्च तो
लाइन लाइन है कि जो बार डायग्राम करा जाए ओके एमती थाए एमती भी आपणकर बार डायग्राम मुझे गोटे प्राक्टिकाल वीडियो देती से भी स्किल टेस्ट पर देखिपारे सठिक आंसर कौन हम कहतु एडिट चार्ट इनसर्ट चार्ट टूल्स चार्ट फॉर्मेट चार्ट कन्फ्यूज कर एडिटा कर फॉर्मेट कराइब ओके सब तो कन्फ्यूजिंग लगुच कि मन रखी थे सब चार्ट जिते गोटे जिनस गोटे छोट बाटे बटेबी जिते कि दौरान पिक्चर दिंतु ओके गोटे क्लीप आर्ट दौर सब मन रखी थे प्राय दबा जिनसा प्राय कैसे कौन पे मन रखी थे इनसर्ट को प्रिफर करेंगे कौटा को इनसर्ट कौटा प्रिफर करेंगे इनसर्ट तेना सठिक आंसर आपको इनसर्ट तापर चार्ट इनसर्ट टैब को जीवे इनसर्ट टैब चार्ट क्लिक करेंगे मन रहा नेक्स्ट क्वेश्चन एट ह्वाट इज डिफाइंड बाय द हैंडआउट मास्टर हैंडआउट मास्टर रो अर्थ कौन ह्वाट इज हैंडआउट मास्टर बढ़िया प्रश्न एटा आपनकर निश्चित काम लगे देखो ह्वाट इज डिफाइंड बाय हैंडआउट मास्टर कौन हम हैंडआउट मास्टर कौन सठिक आंसर आप हम ऑप्शन बी ले आउट ऑफ ऑडियंस हैंडआउट नोट्स ले आउट ऑफ ऑडियंस हैंडआउट नोट्स मैंने आपंकर मेन मेन पॉइंट्स जमी नोट्स आपड़ बुझीपे बास सहीटा ही जिन नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पावर पॉइंट व्यू बढ़िया प्रश्न टे पावर पॉइंट रु निश्चित प्रश्न तो आप जानते वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तो मुख्य प्रश्न रोचे विंडोज रे आपर इंटरनेट सिक्यूरीटी भी आसूची ओके मुझे सिक्यूरीटी भी क्वेश्चन आसूर आपर ऑपरेटिंग सिस्टम रु क्वेश्चन गोटे गोटे रोचे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पावर पॉइंट व्यूज एम पावर पॉइंट व्यू कौटा नुहे पेज व्यू प्रिंट व्यू नॉर्मल व्यू आउटलाइन व्यू कौटा पावर पॉइंट रे एई व्यूटा नथाय सठिक आंसर हम आपर पेज व्यू एटा कौन ऑप्शन ले नथाय पेज व्यू गोटे पावर पॉइंट व्यू नुहे सेमिति किछि नाही मन रहिला सठिक आंसर है ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 10 को जीवा माउस टेक्निक यूज्ड फॉर एक्सेस इन प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट से कहे जेको ऑब्जेक्ट रे जेको फाइल रे गोटे जिनस माउस टेक्निक यूज कराए प्रॉपर्टीज ताले कौन करिया को पड़ो प्रॉपर्टीज कथा कही दूची प्रश्न बुझीजे इजी हो कौन करेंगे ड्रैगिंग लेफ्ट क्लिकिंग राइट क्लिकिंग शिफ्ट क्लिकिंग आपण कह सर आम तो सियोर अच्छू ड्रैगिंग केबे भी हेनी शिफ्ट क्लिकिंग भी केबे हेनी केवल यही दुईटा भितर कन्फ्यूजिंग लेफ्ट क्लिकिंग राइट क्लिकिंग हाँ ना जो मैंने कंप्यूटर यूज करुथिबे से माने टिके भाबिदेले सांगे कहीदेवे किंतु मन रखिथिबे सठिक आंसर हम ऑप्शन सी जेको जिनसर प्रॉपर्टीज जानापी आप राइट क्लिक करेंगे कौन करेंगे राइट क्लिक देखिए कि ये राइट क्लिक आपको देखिए देखो राइट क्लिक करी ए देखो यही जिनसर राइट क्लिक कली सांगे सांगे ये प्रॉपर्टीज खोलला हाँ ना तेणु कितु लेफ्ट क्लिक कले कि होनी राइट क्लिक कले प्रॉपर्टीज आसो कौन आपड़ा चाहते क्लीअर बुझीगला नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 11 10 आंसर है सी 11 ए माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड ये क्वेश्चन सब मुझे प्रैक्टिस माइक्रो प्रोसेसर जानते ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एक आउ कौन कहते कौन कहे सीपीयू तो जानते बस कहतु सठिक आंसर कौन हो ऑप्शन ए ताकु माइक्रो चिप बोली कहा जाए कौन कहा जाए माइक्रो चिप ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ए सेल एंट्री कैन बी एडिटेड इन द सेल गोटे सेल रे आपण जहाँ एंट्री करिसेंती ताकु केमिति एडिटेड करिवे एडिट करिवे मेनू बार एडिट मेनू फंक्शन बार फॉर्मूला बार सठिक आंसर हबो आपण मानकर फॉर्मूला बार आपण जानिसेंती एमएस एक्सेल आपनको कहितबी ऊपर थाए फॉर्मूला बार सेहि जाई के आपण एडिट करि परिवे तार आउरी भी बहुत बाट अछि एडिट करि परिवे केमिति सेल रे धरंतु एडिट डबल क्लिक करिवे डबल क्लिक करिक एंट्री करि परिवे किंतु हमर तो ऑप्शन रे सेमिति देइनी हमकु बार हिसाब रे देइछि ओके बुझि होज ना बुझि हो नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 13 12 रो आंसर डी हला ओके 13 डैश रेफर्स टू द अनऑथराइज्ड कॉपीइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर ये आसी आपणकर सिस्टम कंप्यूटर रो सिक्योरिटी रु क्वेश्चन टी ओके कहीचि क्यों क्या रेफर कराए जो अनऑथराइज तुमको ऑथराइज मिलनी कॉपी करवा मान जिनस डिस्ट्रीब्यूशन करने को सॉफ्टवेयर को कौन कह जाए बहुत आंसर मारी दिं कॉपीराइट ना पे कॉपीराइट जिनस अलग यहाँ हम सठिक आंसर कौन आपण मानक ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कह जाए सॉफ्टवेयर पायरेसी आप शुणी जिते बड़े सॉफ्टवेयर गोटे आप नए आपंते मुझ पायरेटेड वर्जन यूज करुँ हाँ ना तामने से कौन अनऑथराइज ओके बुझी हो नेक्स्ट जीवा
ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମେଜର୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍? ଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ରୁ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଏହାକୁ ବତେଇଥିଲି, ୟାର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମେଜର୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କେଉଁଟା ମନେ ରଖିଥିବେ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ସି, ୟୋଟାବାଇଟ୍। ୟୋଟାବାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମେଜର୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଯେତିକି ଅପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଇଛି। କ୍ଲିୟର୍, ବୁଝିହେଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15, ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ୱେୟାର ଇଜ୍ ଏ, ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ୱେୟାର, ଏ ଗୋଟେ କ'ଣ? ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର, ନେଟୱାର୍କ, ସଫ୍ଟୱେୟାର, ଫିର୍ମ ୱେୟାର। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଅପ୍ସନ୍ ସି, ସଫ୍ଟୱେୟାର। ଓକେ, ଗ୍ରୁପ୍ ୱେୟାର ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା? ସଫ୍ଟୱେୟାର, ନେଟୱାର୍କ ନୁହେଁ। କ୍ଲିୟର୍? ନେକ୍ସଟ୍, ଦ ସେଣ୍ଟର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଓକେ, ଟୁ ଦ ସେଣ୍ଟର ଦ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦ ସର୍ଟକଟ୍ କି ଇଜ୍। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବା ଏକ୍ସେଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ଏଇଟାକୁ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେବେ, ମାନେ ମଝିକୁରେ ରଖିବେ, କ'ଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସି କେବେ କରିବେନି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସି କପି ପାଇଁ, ଓକେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ପାଇଁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଓପେନ୍ ପାଇଁ। ଆ ସରିଗଲା ସାର୍, ତ ଆପଣ ସବୁ କହିଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ, ତାହେଲେ ବଳିଲା କିଏ? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଇ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଇ କଲେ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଳାଇବ। ମନେ ରହିଲା ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ହଁ ନା ନାଇଁ? କିଏ କପି କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ସମୟରେ? ଏମିତି କୁହନ୍ତିନି, ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କିଏ ସେ ଏଠି କାହିଁ କଥା ହେଉଛ, ଚୁପଚାପ ନିଜ ପାଠ ନେଇଛ, ଲୋକ ପଛକୁ କାହିଁ ଅନେଇଲ, ଏମିତି କୁହନ୍ତିନି, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସ୍କୁଲ ବେଳେ, କାହିଁ ପଛକୁ ଅନେଇଛୁ, ଖାତା ନେଇଯିବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17, ମଜାରେ ମଜାରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍, ମୋତେ ଆଉ ବେଶୀ ବି ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫିଚର୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଇନ୍ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଦାଟ୍ ଆଲାଉଜ୍ ଦ ୟୁଜର୍ ଟୁ ସି ଅଲ୍ ଦ ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ଇନ୍ ଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଏଟ୍ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍? ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ସେ କହୁଛି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଆପଣ ଯାହା ବନେଇଥିବେ ସବୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଥରକରେ ଦେଖିବେ, ମାନେ ଆପଣ କେମିତି କହିବି, ଧରନ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ଟେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥମ୍ନେଲ୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ, ଥରକରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, କାହାକୁ ଆଗ ପଛ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ। ଓକେ, ମନେ ରହିଲା? ତା କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ କି ଭିୟୁ କୁହାଯାଏ, କେମିତି କରିବା? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାଷ୍ଟର, ସ୍ଲାଇଡ୍ ସଟର, ସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଡର। ଓକେ, କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପ୍ସନ୍ ହେଲା ସ୍ଲାଇଡ୍ ସଟର। ପାୱାର ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାର୍ଟ ୱାନ୍ଟା, ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛି, ମନେ ରହିଲା? ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏଚ୍ଟିଏମ୍ଏଲ୍? ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆସୁଛି, ଆଉ ୟାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ବି ଦେଇଛି। କ୍ଲିୟର୍? ତେଣୁ ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ ଏଚ୍ଟିଏମ୍ଏଲ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ୟାର କେମିତି ମନେ ରଖିବା ତରିକା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଥିଲି, କେମିତି ସଟ୍ରିକ୍ରେ ମନେ ରଖିବେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଭୁଲ କରିବେନି। କ'ଣ ହେବ? ହାଇପର୍ ଟେକ୍ସଟ ମାର୍କଅପ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ହାଇପର୍ ଟେକ୍ସଟ ମାର୍କଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ହାଇପର୍ ଲିଙ୍କ ମାର୍କଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ସାର୍ ଥାଉ, ସେତିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଏତିକି ହେଲାଣି। କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଅପ୍ସନ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ କୁହନ୍ତୁ, ଅପ୍ସନ୍କୁ ଗୁଲି ମାରନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ହାଇପର୍ ଟେକ୍ସଟ ମାର୍କଅପ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ବୋଧେ ଅପ୍ସନ୍ ଏ। କ୍ଲିୟର୍? ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ପାଇଡର୍? ସ୍ପାଇଡର୍ କ'ଣ? ସ୍ପାଇଡର୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ପାଇଡର୍? ଏଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବୁଢ଼ିଆଣି କହିବେନି। ଓକେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ପାଇଡର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା, ସ୍ପାଇଡର୍ ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା ୱେବସାଇଟ୍ର କାଟାଲଗ୍ସ, ଏଇ ତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ବିରେ, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦାଟ୍ କାଟାଲଗ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍। ଓକେ, ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ସ୍ପାଇଡର୍। କ୍ଲିୟର୍? ମନେ ରହିଲା? ନେକ୍ସଟ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ବି। 20କୁ ଯିବା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍, ତାର ମାନେ କ'ଣ? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ କହିଲେ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ରେ ଦେଇଛି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅପ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ରି ଓପେନ୍, ରି ପ୍ରିଣ୍ଟ, ରି ଆପ୍ଲାଏ, ରିଡୋ, ଏମିତି ଦେବ ନାହିଁ। ଟୋଟାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି, ରାଇଟ୍ ଆଲାଇନ୍ ଦ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ୍। ଡାହାଣ ପଟକୁ ନେବେ, ସେଣ୍ଟରକୁ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଇ, ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ନେଇଯିବେ, ଏଇ ପଟରୁ ଆପଣ ଲେଖା ରହିବ, ତାହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍, ମନେ ରହିଲା? ନେକ୍ସଟ ଯିବା, 21, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦ ସେମ୍ ଫର୍ମାଟିଂ ୟୁ ଡିଡ୍ ଟୁ ଆନାଦର ଟେକ୍ସଟ? ଓକେ, ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟେ। ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ ଆପଣ ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି, ତାର ସେମ୍ ଫର୍ମାଟ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ଲେଖା ଅଛି। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ଏଟା ଫର୍ମାଟ ମାନେ କ'ଣ? ଫର୍ମାଟ କହିଲେ ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ, ଫର୍ମାଟ କ'ଣ, ବୁଝେଇକି ପାଠ ପଢ଼େଇବି ସେମିତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ ଫର୍ମାଟ କ'ଣ, ଏଇଠି କ'ଣ ଫର୍ମାଟ କହିବି? ଫର୍ମାଟ କହିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଥିବ। ଓକେ, ଫଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି 14 ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ କଲାବେଳେ। ଓକେ, ଫଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଥିଲି? ଟାଇମ୍ସ ନ୍ୟୁ ରୋମାନ, ଏଇଟା ହେଲା ଫଣ୍ଟର ନାଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ ଆଉ ସାଇଡ୍ କ'ଣ ଦେଇଥିଲି? ସବୁ ଲେଫ୍ଟରୁ ଲେଫ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲି। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ କରିଥିଲି, ମୋର ଡିଟୋ ସେଇ ଜିନିଷ ଏଠି ଦରକାର, ତାହେଲେ କ'ଣ କଲେ ଉପର ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ସମାନ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଆଉ ଯାଇକି ଏତେ ପାଲା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ପୁଣି 14 ସାଇଜ୍, ପୁଣି ଟାଇମ୍ସ ନ୍ୟୁ ରୋମାନ, ପୁଣି ଲେଫ୍ଟ, ପୁଣି ବୋଲ୍ଡ, ମୁଁ ଏମିତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୋର ଡିଟୋ ସେମିତି ଫର୍ମାଟ ଦରକାର। ବୁଝିହେଲା ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ? ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏବେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ କଲେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରଖିଥିବେ ଅପ୍ସନ୍ ସି, ସିଲେକ୍ଟ ଦ ଟେକ୍ସଟ ଦେନ୍ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ଫର୍ମାଟ ପେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ଟ ଦ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ସଟ।
वार्ड रही आपको ये देखे फॉर्मेट पेंटर आपर थी जोटी होम टैब तल को लक्ष्य करेंगे फॉर्मेट पेंटर थाए आप फास्ट सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को ओके जी कर सिलेक्ट करदे फॉर्मेट पेंटर को जी एंड सिलेक्ट द न्यू टेक्स्ट मन रहा क्लियर नेक्स्ट जी सटिक आंसर आपण मानक कौन है 21 ऑप्शन सी 22 सम इज इक्वल टू देखिए लिखाई सम बी वन बी टेन इज एन एग्जांपल ऑफ ए एटा जानपर थे कौट प्रश्न एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एम एस एक्सेल आसी कहले कौन आपणकर जिनसटा ये कौन पचार फर्मूला गोटे से कहे ये गोटे कौन एग्जांपल अरे हई मुझक कही सारे बा फर्मूला गोटे सर आप आंसर कहीदे ना हाउ ठीक अच्छे ये गोटे क्वेश्चन आपंकर ग्रेस भावं उत्तर कहीदेली ना मो आगु जब आप करेंगे तो काउंट करेंगे है ये सठिक आंसर है ये पिला गोटे फर्मूला यहाँ कौन गोटे फर्मूला मन रहा ना मन रही कहीं इज इक्वल टू सम देखिए जो बी वन टा कौन मत कह बी वन बी टेन कौन यहाँ आपणकर देखिथे रो कलम सेल नंबर कौटू केड कर बुझीगला ना बुझीगलानी क्लियर नेक्स्ट जी नेक्स्ट क्वेश्चन को चल क्वेश्चन नंबर 23 यू स्पेसिफाई द सेव डिटेल्स ऑफ योर फाइल इन द आपण गोटे सेव डिटेल्स करिबा माने गोटे फाइल को आपण हिसाब से नामित करिया चाहूँ तार डिटेल्स ना देवाक चाहूँ कौन करेंगे सेव एज ए फाइल सेव द फाइल एज फाइल सेव एनी वन ऑफ टू कौन हम सठिक आंसर कौन हम 23 ऑप्शन ए सेव एज बोली अच्छी आपने देखी थे सेव एज मन रहा यहाँ सेव एज हम सेव द फाइल एज एम किसी डायलॉग बॉक्स ना सेव एज करती मन रहा ना ना क्लियर बुझीगला जिनस 22 आपको कही मन रही ऑप्शन बी गला 23 ऑप्शन ए गला ओके 24 व्हाट इज गटर मार्जिन आम मार्जिन बाबद आलोचना करुले देखिथे प्रिंटिंग एरिया चारिपटर जो व्हाइट स्पेस रहे मानते स्पेस रहे आप मार्जिन कहते हैं गटर मार्जिन कौन व्हाट इज गटर मार्जिन ऑप्शन पढ़ंतु ऑप्शन पढ़ी आंसर को देवाप चेस्टा करूँ व्हाट इज गटर मार्जिन सठिक आंसर कौन हम सठिक आंसर आपण मानकर हम ऑप्शन सी मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग बस जो मार्जिन टा एडेड हुए बाइंडिंग साइड ऑफ पेज ता पूरा बॉर्डर मन रहा आउ सब ऑप्शन पढ़ंतु भूल अच्छे तापर आसला क्वेश्चन नंबर 25 डेज रेफर्स टू द नंबर्स दैट आर पोजिशन स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर दैन द टेक्स्ट ऑन द लाइन रेस्पेक्टिवली एटा कौन कहले एत बड़ प्रश्न लिखाई एक्चुअली पे प्रश्न बुझे सी कहे आप लिखाई धरत एक्स एक्स उपरको टी लिखे स्लाइटली हायर मुझे लिखिली एक्स रोयर आउ बेले आप लिखे फर्मुला धरत लिखाई वाई रू वाई टू तले लिखा टू बा थ्री एटा को कौन कहुए यहीटा को कौन कह जाए बास वार्ड फाइल आप देखिथे कौन कह जाए सठिक आंसर हम आपर कौन ऑप्शन बी यरटा को कह जाए सुपर स्क्रिप्ट ए तलटा को कह जाए सब्सक्रिप्ट क्लियर 25 रे आंसर है बी वेरी गुड तापर जा 24 टर्मिनाल इज डेज टर्मिनाल कौन आपको पचार टर्मिनाल कौन मन रखिथे टर्मिनाल यार राइट आंसर हम ऑप्शन देखी दिंतु जल्दी जल्दी सठिक आंसर हम ऑप्शन बी ए पॉइंट एट व्हिच डाटा एंटर्स और लीव द कंप्यूटर जो पॉइंट रे डाटा एंटर करे बा कंप्यूटर रु लीव करे सही पॉइंट को कहुए टर्मिनल मन रहा नेक्स्ट जवाब 27 द मिनिमम जूम परसेंट इन एमएस पावर पॉइंट पावर पॉइंट रो मिनिमम जूम परसेंट केते मैक्सिमम केते पिला माने पावर पॉइंट रे 400% मन रखिथे वार्ड रे 500% हो ना चेक करदे ओके एटा मैक्सिमम मिनिमम केते पर्यंत आमे जूम करी परिबा मिनिमम माने कम सटिक आंसर हबो 27 ले 10% ऑप्शन सी सब छोट जूम हो पार 10% मन रहा वार्ड रे भी 10% द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑन एन ऑप्टिकल डिस्क इज कॉल्ड ऑप्टिकल डिस्क रो राइटिंग प्रोसेस टाकू कौन कह जाए बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपण मानी सटिक आंसर है बर्निंग कौन कह जाए ऑप्शन डी बर्निंग नेक्स्ट जी 29 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनवाई आपको कौन दरकार सटिक आंसर कौन हम ब्राउजर इंटरनेट टेक्स्ट एडिटर सर्च इंजिन सटिक आंसर है ऑप्शन सी टेक्स्ट एडिटर आपको दरकार गोटे एचटीएमएल मु एचटीएमएल फुल फॉर्म आपको कही ओके नेक्स्ट 30 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फंक्शन ऑफ फायरवॉल फायरवॉल ले गोटे की फंक्शन कोटा मॉनिटरिंग डिलीटिंग कॉपिंग मूविंग सटिक आंसर कौन हम आपर ऑप्शन ए मॉनिटरिंग ओके क्लियर नेक्स्ट जी 31 व्हाट इज द डिफॉल्ट पावर पॉइंट स्टैंडर्ड लेआउट बढ़िया प्रश्नटे डिफॉल्ट माने
आपण पावर पॉइंट खोलिले जेउ लेआउट आसे लेआउट माने बुझुचंद ना नाही जो आपण डिजाइन करिया पे उठे तो आसीबो देखिथिबे न्यू स्लाइड आड टाइटल आड सबटाइटल एमिति लेखा जाय से कोचिटा डिफॉल्ट कोन थाय ता नाटा कोन सेटा कोन कुआ जाय विभिन्न प्रकार अछि ब्लैंक थाय टाइटल स्लाइड टाइटल ओनली कंपैरिजन ई जो भितरु सटीक आंसर आपण मन रखथिबे ऑप्शन बी ता कुआ जाय टाइटल स्लाइड ओके खाली टाइटल न टाइटल स्लाइड नेक्स्ट जीवा इफ योर कंप्यूटर रीबूटिंग इटसेल्फ देन इट इज लाइकली दैट जदि आपण कंप्यूटर बारंबार आपे आपे रिबूट होउची ता माने ये कंप्यूटर रो कोन असुविधा आइची सटीक आंसर देखंतु देयर इज नो प्रिंटर प्रिंटर नाही ना पावर नाही ना आपण स्पेस कम हो जाउची मेमोरी रे ना कोन हबो सटीक आंसर हबो ऑप्शन ए इट इज ए वायरस ता माने आपण जानिबे जे कंप्यूटर को वायरस अछि ओके लेजर प्रिंटर्स बिलोंग टू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस रु आसी छि लेजर प्रिंटर केउटे रे बिलोंग करे सटीक आंसर कोन हबो आपण मानन पई ऑप्शन बी पेज प्रिंटर लेजर प्रिंटर बिलोंग्स टू पेज प्रिंटर ओके नेक्स्ट ए कंप्यूटर मेसेज डू यू रियली वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड फाइल्स आपण देखिथिबे बेले बेले कंप्यूटर आपण डिलीट मारिया पर गोटे डायलॉग बॉक्स आसे आपण पचारे जे आपण एटा डिलीट करिया चाहूचंदि कि एटा जो पचारे आमे हेटू येस करंदि हां मु चाहूची एटा को कोन कह जाय इट इज कॉल्ड एटा कोन कहबा जो हां बोली आपण कहिले बा नो कहिले एटा कोन बोली कहबा प्रोग्राम रिस्पोंस यूजर आउटपुट यूजर रिस्पोंस प्रोग्राम आउटपुट कोन कहबा सटीक आंसर है ऑप्शन सी आम रेस्पन्स दूसरी यूजर रेस्पन्स किए आपण मैंने यूज करुवे कंप्यूटर से समय मन रही द प्लेस व्वेयर द कंप्यूटर स्टोर्स प्रोग्राम एंड डाटा इज कॉल्ड जो प्लेस रे कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करे ताकू कौन बोली कहुए सटीक आंसर आपण मानक हम ऑप्शन सी स्टोरेज यूनिट कौन कह जाए स्टोरेज यूनिट मन रही हूँ ना ना जापरेंगे क्यों एरिया आपड़ विक् अच्छा सर्टकट की रे, ना फुल फॉर्म रे, ना एम एस एक्सएल ऑफिस है देखो 36 ये गोटे बढ़िया सिक्यूरीटर आश्चन ए हाकर कंटाक्ट यू फोन ऑफ ईमेल एंड अटेम्प्ट टू आक्योर योर पासवर्ड इज कॉल्ड कौन बोली कहवा सठिक आंसर मन रखिए कह जाए फिशिंग ओके ऑप्शन बी फिशिंग नेक्स्ट इन विंडोज एमई व्हाट डज एमई स्टैंड फॉर ए एमई रो फुल फॉर्म कौन कौन करवा माइक्रो एक्सपर्ट माइक्रो एक्सपर्ट मल्टी एक्सपर्ट मिलेनियम एडिशन सटीक आंसर हम आप ऑप्शन ए विंडोज एमई है मिलेनियम एडिशन तार फुल फॉर्म ओके नेक्स्ट जीवा व्हिच शॉर्ट की इज यूज टू स्विच बिटवीन करेंट प्रोग्राम ऑन विंडोज विंडोज रे धरंतु वर्तमान गोटे प्रोग्राम रे काम करुचंती शॉर्टकट कले आपण आउ गोटे विंडोज को जिबे ओके करेंट प्रोग्राम को आउ गोटे स्विच करिवे कोन प्रेस करिवे ऑल्ट रे सब ऑप्शन अछि देखंतु सटीक आंसर हम ऑप्शन बी बी कहले ऑल्ट एफ सिक्स मन रहा नेक्स्ट इट इज द फास्ट प्रोग्राम रन ऑन ए कंप्यूटर व्हेन द कंप्यूटर बुट्स अप जितेबाला कंप्यूटर बुट्स अप हुए स्टार्ट हुए बुटअप बुटिंग हुए क्यों प्रोग्रामा कंप्यूटर रन करे ऑप्शन देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम ऑपरेशन प्रोसेसिंग सिस्टम सटीक आंसर दे दिंतु सटीक आंसर कौन हम 38 रो बी कही तो ओके एफ सिक्स नेक्स्ट 39 सटीक आंसर तो कौन कहुए ऑपरेटिंग सिस्टम सेटा कौन सी ऑपरेशन नुए सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम मन रहा नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 40 जोटा कि आप शेष प्रश्न देखिबा कौन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ए स्प्रेड सीट ओके स्प्रेड सीट रे मान भितर कौटा पार्ट नुए एक्सेल कथा भी आपरेंगे कौन एटा आप कहूँ रो नंबर कलम लेटर सेल आड्रेस कहतु एक्सेल काम करेंगे स्प्रेडसीट रे सटीक आंसर हम ऑप्शन बी कलम नंबर पिला माने किछि न थाए कलम नंबर किछि न थाए आपणकर रो नंबर थाए हैला कलम नंबर न थाए हेटा ए बी एमिति लेखा जाय थाए कलम नंबर रे लेटर रे थाए देखि जों ना नै ऊपर ए बी एमिति थाए आ एटी आपणकर कलम रे आपणकर कोन थाए रो रे 1 2 3 सेति पई एई जागा टा को जाय ए 1 एटा को आपणकर बी 1 एमिति करा जाय क्लियर बुझि हैला ये थिला आपण मानक पई बछा बछा अभिकल प्रश्न आपण को एग्जाम पई जदि भिडियोटी सतरे भल लगी लाइक शेयर तो आपण माने निश्चित करिवे एवं चैनल टी सब्सक्राइब कर रखंतु एमिति समस्त अपडेटेड भिडियो पाया पई एवं एग्जाम रे आपण को जेमिति काम रे लागिवो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई निश्चित चैनल टी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करंतु थैंक यू समस्त को गॉड ब्लेस यू समस्त भल करंतु परीक्षा रे थैंक यू केते मार्क रहिला श्योर जणैबे कमेंट रे आउ केउटा वीक पॉइंट जणैबे ओके थैंक यू।